कैसे हैं? आज 28 तारीख है और एक्सपायरी का दिन था, बृहस्पतिवार है। और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी कर दिया, जहाँ जिसको क्लोज करना था अपने लेवल पे जाकर उन्होंने क्लोज किया। और निफ्टी बैंक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 30,064 जो कि अपने हाई पे हाई लेवल पे क्रॉस किया जा रहा है, और हाई 30,496 का बनाता है, 420 पे क्लोजिंग देता है और हाई की ओर ही क्लोज देता है। और एक चीज़ याद रखिए, निफ्टी बैंक के एडवांस सारे के सारे ग्रीन है, कोई भी रेड नहीं है, सारे के डिक्लाइन जीरो है। और ये 31,500 जो इसको बनाना है, ये बना के रहेगा 32,000 की और जाएगा। ये तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बैंक निफ्टी में हर डिप पे आपको बाई करना था, फ्यूचर बाई करना था, क्योंकि इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे 400-500 पॉइंट का कभी डिप लेगा, कभी भी अप लेगा। तो अगर फ्यूचर नहीं रहेगा तो वहां पे आप क्या ऑप्शन आपके प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कोई बात नहीं, जैसे आपको ट्रेड करना हो आप करें, आपकी इच्छा है। बट 32,000 की ओर निफ्टी 31,500 की ओर जाते हुए आपको दिख रहा है और ये दिखेगा। आज एक्सपायरी में जब ये इतना स्ट्रॉन्ग है, सब सबके सब ग्रीन है, कोई भी लो नहीं है, और हाई की ओर जाता है वो 31,496, और वो हाई की ओर ही क्लोज देता है, तो सोचिए क्या है? और 400 पॉइंट का गेन, 1.33। अगर पूरे मंथ की बात करें, आप सोचेंगे 30 डेज का जो 12% का जो गेन दिया है इसने, आप ओवरऑल देखेंगे तो आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये अपने प्रीवियस टाइम के इलेक्शन में 20% का भी गेन दे चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये अप्रैल में आपको कंटिन्यूटी, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अच्छा ट्रेड करते हुए ऊपर की ओर जाते हुए दिखेगा। लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस कहा था, जो नहीं चले वो अब चलना चालू हुए, तो आप देखिए ठीक वही तीन बैंक, यस बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा आज चले, और PNB भी जो पीछे रहा, लेकिन ये भी चलेगा। तो इन बैंकों पे ध्यान दें, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा बेनिफिट देके जाएंगे। यस बैंक तो ओपन है, आप कंटिन्यूस स्ट्रांगनेस देख लीजिए, फॉल पे भी ये फॉल नहीं हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, 290-320 की ओर जा रहा है और जाएगा। SBI 319-320 यहीं पे एक थोड़ा रेसिस्टेंस था, वहीं पे रुका है, यहाँ के बाद 350 की ओर, 340 पे जाकर रुकेगा, और 340 के बाद ओपन इसका ही होगा, मुड़ना होगा तो वहाँ से मुड़ेगा, नहीं तो नई हाई को ये बनाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं, बैंक रेपो रेट RBI कम करने वाला 0.25 बेसिस पॉइंट, ये भी एक स्ट्रांगनेस है। बैंक निफ्टी में जो स्ट्रांगनेस आई थी, बीच में मार्केट गिरा था और वापस उठा, उसका एक रीजन और था, जो 35,000 करोड़ का रुपीज का डॉलर के साथ जो स्वैप रेशियो आया हुआ आया, ये सब कारण है जिसमें सबकी पॉजिटिवनेस दिख रहा है। और बैंक निफ्टी यहाँ से आपको ऊपर की ओर जाएगा, अपने प्रीवियस वीडियो पे जाके देखिए, 30,900 पे मैंने आपको बताया था कि आगे कहाँ जा सकता है। तो पहला 30,900 पे जाके वहाँ थोड़ा रेसिस्ट कर सकता है, 30,900 के बाद फिर ये 31,500 की ओर जाएगा, तो 600 पॉइंट का वहाँ से आपको फिर से दिखाएगा अगर वो क्रॉस करता है। तो यहाँ से रुकेगा तो 30,900 की ओर जाके रुक सकते हैं, रुकना तो है नहीं इसको, 32,000 नहीं हाई आपको देखने को मिलेंगे। और आप समझ के चलिए, यहाँ से वापस 10% गेन, तो 3,000 का भी पॉइंट अगर आपको यहाँ से देता है तो कोई बड़ी बात नहीं, 1,500 तो देगा ही देगा, 1,500 भी माने अगर आधा भी माने आप यहाँ से, तो 32,000 के आसपास आता है। तो किसी ना किसी तरह आपको 32,000 का आपको लेवल देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगा, पोजिशन आप अपने अनुसार से बना सकते हैं। मैं आज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं बता रहा था, मैं आपको आज SBI बैंक इसका जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ओपन हुआ 310 पे, हाई बनाता है 339 का हाई बनाता है, और 309 आज ही इसने 339 के हाई को, जो कि इसका जहाँ पर रेसिस्टेंस है, वो टच कर लिया आज, और 319 पे फाइनल सेकेंड लो पे आके क्लोजिंग दिया। ये 340 जो है उसका एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पे ये आगे जा करके टच करके आपको दिखाएगा कहाँ तक खेल सकता है, उसने बता दिया। अब चलिए हम इसके डाटा को फर्दर देखते हैं। तो आज क्या किया इसने, आज इसने जो हाई बनाया 340 का, एकदम एग्जैक्ट यही लेवल है 340 का, जहाँ पे इसको रेसिस्टेंस है, और 52 वीक हाई पे ये चला चुका जा चुका है। ओपन तो हुआ था इस प्रीवियस क्लोज 308 का था, ओपन हुआ 310 पे। वॉल्यूम वेटेड एवरेज की बात करें, क्या कर रहा है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज, तो आप देखेंगे जहाँ इसको क्लोज एक्सपेक्टेड क्लोज इसका था 315 रुपये के आसपास, वहाँ 319 रुपये की क्लोजिंग दिया है, पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज के साथ क्लोजिंग दिया है। डिलीवरी परसेंटेज देखिए, तो ट्रेडेड क्वांटिटी देखिए और डिलीवरी परसेंटेज देखिए, जहाँ ये 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का ट्रेडिंग हो रहा था, यहाँ पे कल हुआ है 3 करोड़ विद प्राइस एक्शन अपसाइड, 303 से सीधा 308 हुआ, 3 के बाद आज हुआ है 6 करोड़, और वहाँ पे 308 से 319 हुआ है, क्या प्राइस एक्शन है, और 34% 30% की डिलीवरी है।
एक अच्छी खासी डिलीवरी के साथ, रोल ओवर के साथ 340 की ओर आपको एसबीआई जाते हुए कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये जो लेवल है 319 का, ये आपको देखेंगे यही एक यहाँ पे था जिसको ये क्रॉस करके वापस रुका, और पहला जो सेकंड रेसिस्टेंस है 340 का, तो आज इसने दोनों क्रॉस किया लेकिन आकर के यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, तो नीचे फॉल की ओर आता, तो इस लेवल पे आके वीकली लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो एग्जैक्ट लेवल पे 319 पे सपोर्ट लिया, बहुत ही अच्छे लेवल पे सपोर्ट लिया हुआ है वो। और अगर देखें लॉन्ग टर्म से लॉन्ग अनवाइंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप ये देखें जो ये आपका 50 दिन का जो 200 दिन का डेमा है, तो वो आता है 282 पे। तो 282 अब देखेंगे ये कैसे, जो येलो लाइन है वो आपका 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये देखिए कैसे यहाँ से क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म अनवाइंडिंग पॉइंट से सोचना है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट से 282 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अगर आपको शॉर्ट टर्म पॉइंट से सोचना है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट से कहाँ पे लगाऊं, तो आपको कहीं ना कहीं ये 303 पे लगाना चाहिए, जो कि आपका ये आप देखेंगे ये 303 जो कि 9 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप चाहें तो इसका शॉर्ट टर्म के लिए आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, तो वो आपको 282 पे लगाना चाहिए। 282 के नीचे जाता है तो ये वीकनेस शो करेगा, अदरवाइज ये आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। ओपन स्काई है, ओपन और जा सकता है ये। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आपको बता दिया इसमें। और आप अगर यहाँ पे भी देखें, मैं इसको दूसरे तरीके से देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, तो आप देखेंगे इसका जो 321 आता है 319 321, यही एक लेवल है जो 0.78 का रिट्रेसमेंट है इसका। और इसके बाद जो अगर ये क्रॉस करता है, तो सीधा ही आपको निकल जाएगा यहाँ पे 345 की ओर। यही लेवल आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मिल रहा है चार्ट पे मिल रहा है यहाँ पे जो मिल रहा है आपको 339 340, और डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो इसका हाई बनेगा ये इसी लेवल पे बनेगा। अब देखिए ये जो हाई है इसका यहाँ से क्रॉस करेगा, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर 338 340, ये देखिए ये लेवल को टच करने की कोशिश, 347 की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ये 347 के टारगेट के लिए SBI आपको जाते हुए दिखने को मिल रहा है। एक बार RSI भी देख ले, तो RSI जो बता रहा है 74 जा रहा है, ये 74 के आसपास बता रहा है, ओवरसोल्ड कैटेगरी में बता रहा है, लेकिन ओवरबाय कैटेगरी में बता रहा है, लेकिन ये 84 तक जाता है, यहाँ से अभी भी 10 पॉइंट आगे जा सकता है। और उसके बाद एक बार डेरिवेटिव में भी एक बार इसको 319 का 25 अप्रैल को एनालिसिस किया जाए, तो आप देखिए कॉल साइड केवल बाइंग चल रही है और पुट साइड सारे लेवल पे शॉर्ट किया जा रहा है। और आप देखेंगे 320 315 और 310 अच्छे खासे ओपन आज जो क्रिएट किया गया, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ा जा रहा है 320 तक के लेवल को। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉल साइड में देखेंगे तो 320 पे 5,85,000, 325 पे 3,00,000, 7,65,000 का 330 पे, और 6,60,000 का 340 पे। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो ह्यूज जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 340 पे बना हुआ है, 53,58,000 का ओपन इंटरेस्ट है। IB देखें तो 33 है, कॉल की साइड इस साइड देखें तो आपको IB बढ़ती हुई नजर आ रही है, वोलेटिलिटी ज़्यादा समझ में आ रही है, इस तरफ कम है, मीन्स कॉल की ओर ज़्यादा पोजिशन आपको जा सकती है। 340 का अगर कॉल देखें तो सिर्फ आपको 5.10 रुपये में मिल की क्लोजिंग हुई है। अगर इसके डिटेल जाकर के 5.10 को देखें, तो 25 अप्रैल के कॉल को 340 पे देखें, तो यहाँ पे 213,000 लोग बाइंग को खड़े हैं, और सिर्फ सेलिंग के लिए जो खड़े हैं सिर्फ 93,000। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 14% का एक दिन में भी हो चुका है। इसका जो लो था 3 रुपया, जो हाई था 5.15 रुपये, और हाई पे ही क्लोज हुआ है, और जो इसकी लॉट साइज है वो है 3,000। तो कहीं ना कहीं ये एक कॉल ल्यूक्रेटिव कॉल दिखता है, ये बनता है पेपर, आप इस पे वॉच रखें, पेपर ट्रेड करें चाहें तो आप इसको, और SBI को भूलिएगा नहीं, SBI PNB और यस बैंक। अगर बैंकिंग सेक्टर को तूफान लाना है तो ये तीन बैंक को भी तूफान आना है। तो स्टेट बैंक, PNB और यस बैंक तीनों पे आप बुलिश रहें, नेक्स्ट महीने ओवरवेट रहें और ओवरवेट करके बाय करें, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है अगर बैंक निफ्टी यहाँ से जाता है, और बैंक निफ्टी को 32,000 जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं, फिर भी ये एक ओपिनियन है, जैसा ट्रेंड चल रहा है, जैसा प्रीवियस ट्रेंड चला है उसके आधार पे ये सिर्फ एक ओपिनियन है,
अब मैं बुलिश हूँ मार्केट को लेके, आपको यहाँ से 11700 निफ्टी बैंक निफ्टी 32000 की ओर आराम से जाते हुए दिख रहा है। ऊपर नीचे होगा, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको बताऊँ, ये आप एक दिन गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, लेकिन जाना इसको अप ट्रेंड में है। मीन्स ऑन इच डिप पे आपको बाइंग टेंडेंसी रखनी चाहिए, और हर 300 या 400 पे बैंक निफ्टी को बाई करनी चाहिए डिप पे, और निफ्टी को हर 100 पॉइंट के बाद अपने को पोजीशन 100 या 200 पॉइंट पे आपको देखना चाहिए। 200 पॉइंट पे निफ्टी देखिए और 400 पॉइंट पे बैंक निफ्टी देखिए, इस स्ट्रेटजी से काम कीजिए। और डिप बाय ऑन डिप है, आपको सेल तो करना ही नहीं, शॉर्ट मेरा रिकमेंडेशन है भी नहीं और रहेगा भी नहीं। और बैंक निफ्टी में SBI आगे का फ्यूचर है, SBI बहुत दिन से नहीं चला है और अब चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, तो वॉच लिस्ट रखें। ओपिनियन है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ना तो बाइंग रिकमेंडेशन है ना तो सेलिंग रिकमेंडेशन है, मेरा कोई रिकमेंडेशन है। आप बाय करें, सेल करें, कोई पोजिशन बनाएं, वॉच लिस्ट रखें, स्टडी करें, देखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, अगर लगता है वो सजेस्ट करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात करें और फिर पोजिशन बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत